हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनीषा तोमर ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर ऑल एग्ज़ाम्स। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, वी आर डिस्कसिंग दीज एलिमेंट्स इन डेप्थ एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट वी विल डिस्कस जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स विच आर प्लेस्ड इन ग्रुप 13 to 18 इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल में टोटल 1 to 18 ग्रुप होते हैं, जिनमें से 13 से लेके 18 तक के ग्रुप्स को हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। वाई दे आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट, बिकॉज देयर लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज पी। दैट मीन्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन्स फिल इन पी ऑर्बिटल, दैट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इन दिस कैटेगरी ग्रुप 13, 14, 15, 16 and 17 एज वेल एज इनर्ट गैसेज आर प्रेजेंट। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द एलिमेंट्स हुज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट्स जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस ग्रुप 15 एलिमेंट विच इज़ नाइट्रोजन फैमिली। अगर हम क्लासिकल पीरियोडिक टेबल की बात करें नंबरिंग की, तो ये फिफ्थ ए ग्रुप होता है, और अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखें तो ये ग्रुप 15 होता है, जिसका फर्स्ट एलिमेंट नाइट्रोजन होता है, देन फॉस्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर 15 होता है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ एंड मोजोवियम। दीज एलिमेंट शो कंसिडरेबल वेरिएशन इन देयर केमिकल बिहेवियर। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंक्रीजेस। हम लोग जानते हैं जैसे जैसे हम ग्रुप में अप टू डाउन चलते हैं, पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता है। विद इंक्रीजिंग द पॉजिटिव कैरेक्टर मेटेलिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीजेस। सो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस इन दिस ग्रुप आर इन द कैटेगरी ऑफ नॉन मेटल्स। आर्सेनिक एंड एंटीमनी दीज आर इन मेटेलॉइड्स, एंड बिस्मिथ एंड मस्कोवियम आर इन प्योर मेटल्स। हियर आई वॉन्ट टू नो वॉट इज मेटेलॉइड्स। डू यू नो वॉट मेटेलॉइड्स? द एलिमेंट्स विच शोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटेलॉइड्स। I hope you are understanding it very well. Now second properties will be atomic and ionic radii. Atomic and ionic radii, students, whenever we are going in a group from up to down, means bottom की तरफ हम जब चलते हैं तो हमें पता है atomic size क्या होता है, increase होता है। With increase the size, atomic and ionic radii will be increases. Atomic and ionic radii will be increases when we are going up to down in the group. Why they are increasing? Because size of the atoms will be increases. Next characteristics, in the case of nitrogen and phosphorus, covalent radius considerably increases. ये note है और बहुत important point है, आप ये competitive exams के लिए है point। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के कोवलेंट रेडियस कंसिडरेबली इंक्रीज होती है, जबकि आर्सेनिक से बिस्मिथ तक ये क्या होती है, इन स्मॉलर इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डी ऑर्बिटल एंड ऑफ ऑर्बिटल्स हैवियर एलिमेंट्स में आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स विल फिल इन द डी एंड एफ ऑर्बिटल कम्प्लीटली, दैट इज वाई दीज एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई विल बी स्मॉलर, इंक्रीज इन स्मॉलर नंबर। नेक्स्ट पॉइंट इज आयन्स ऑफ दिस ग्रुप आर नेगेटिवली चार्ज।
इस ग्रुप के एलिमेंट्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, बिकॉज वी नो दैट द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट इज NS2 NP NP3. ओके, सो लास्ट ऑर्बिटल में 3+2 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड इट हैज़ द टेंडेंसी टू टेक 3 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ व्हाई दे कंटेन्स नेगेटिव चार्ज. नेक्स्ट पॉइंट इज आयोनिक रेडियाई ऑफ नेगेटिव आयन्स आर लार्जर देन पॉजिटिव आयन्स. देखिए ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनी टाइम्स ये नीट में भी आया हुआ है कि आयोनिक रेडियाई नेगेटिव आयन्स की क्या होती है, लार्ज होती है देन पॉजिटिव आयन वाइल स्मॉलर देन द एटॉमिक रेडियाई. अगर हम एटम और आयन की बात करते हैं तो आयन की जो रेडियाई होती है, नेगेटिवली चार्ज आयन की रेडियाई एटॉमिक रेडियाई से क्या होती है, स्मॉलर होती है. जबकि अगर आप नेगेटिव की बात कर रहे हैं आयन्स की, तो पॉजिटिव आयन से क्या होती है, लार्ज होती है. सो नेक्स्ट वन इज आयनाइजेशन एंथैल्पी. आयनाइजेशन एंथैल्पी, द आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर मच हायर देन ग्रुप 14 एलिमेंट्स. 15 से पहले कौन सा ग्रुप आता है, 14 ग्रुप आता है, और उससे नाइट्रोजन ग्रुप के एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती हैं. तो आप लोगों को मैं कई बार बता चुकी हूँ, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख सकती हूँ आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती हैं. और अब मुझे इसमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वॉट इज़ आयोनाइजेशन एंथैल्पी. आयोनाइजेशन इनर्जीज, एंथैल्पी को हम इनर्जीज भी के बोलते हैं, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीज. विद इंक्रीजिंग द एटॉमिक साइज आयोनाइजेशन इनर्जीज विल बी डिक्रीजेस इन द ग्रुप. नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. देखिए हम जानते हैं कि इस ग्रुप में हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा जो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन होते हैं, इन विच फ्लोरीन इज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स इन होल पीरियोडिक टेबल. उसके अलावा ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन भी स्मॉलर साइज एंड हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं. सो यहाँ पे नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो हाईएस्ट होती है एंड जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विल बी डिक्रीजेस इन द ग्रुप फ्रॉम अप टू डाउन. नाउ वी विल डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स एक्सेप्ट नाइट्रोजन. नाइट्रोजन कैसा होता है, डायटॉमिक होता है. ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर पॉली एटॉमिक. चाहे आप फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस P4 की फॉर्म में पाया जाता है, चाहे वो रेड फॉस्फोरस है या वाइट फॉस्फोरस है. इसके अलावा इस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स पॉली एटॉमिक फॉर्म में मिलते हैं, जबकि नाइट्रोजन किस फॉर्म में मिलता है, डाई एटॉमिक फॉर्म. एंड इट हैज़ द टेंडेंसी टू फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड इन विच P pi बॉन्ड इज प्रेजेंट. सेकेंड, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट जनरली इंक्रीजेस फ्रॉम अप टू डाउन इन द ग्रुप. क्योंकि साइज इंक्रीज होता है, विद इंक्रीजिंग द साइज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट्स विल बी इंक्रीजेस. नोट करिए, देखिए नोट पॉइंट है, नोटिंग पॉइंट है, जो कि आपकी किस में आता है, NCERT कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है. मेल्टिंग पॉइंट increases from nitrogen to arsenic then decreases up to bismuth. पहले क्या होता है, melting point increase होते हैं then decrease होते हैं, कहाँ से कहाँ तक, nitrogen से arsenic और फिर arsenic से bismuth तक decrease होते हैं. तो ये point ऐसा point है जो exceptional case की category में आता है और ऐसे questions को examiner बहुत ज़्यादा पूछता है. Next, नाइट्रोजन इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ गैस वाइल अदर एलिमेंट्स आर सॉलिड. क्योंकि नाइट्रोजन के स्मॉल साइज होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इट फाउंड इन द फॉर्म ऑफ गैस, जबकि इस ग्रुप के अदर एलिमेंट्स जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं.
एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल द एलिमेंट्स सो एलोट्रॉपी. अगर आपसे ऑप्शन में पूछ ले विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोइंग एलोट्रॉपी. एलोट्रॉपी क्या होती है? द सिमिलर फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एलोट्रोप एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड एलोट्रॉपी. सो नाइट्रोजन डू नॉट शो एलोट्रॉपी इन दिस पीरियड इन दिस ग्रुप. नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज. We will discuss chemical properties in our next video. If you like this video, like and comment this video. And if you have not subscribed my channel till now, then subscribe my channel. Thank you so much.